ताजा आणि सुपर फास्ट बातम्या पाहण्यासाठी स्वराज्य न्यूज मराठीला सबस्क्राइब करा आणि बेल बटन प्रेस करा। कि आप लोग ने मेरे टाइम पे माशाल्लाह, जबकि मैं भी जानता हूँ ज़्यादा कुरैशी समाज के कोई ना कोई आदमी हर पार्टी में उनका इन्वॉल्वमेंट है, फिर भी उन तमाम चीज़ों को दरकिनार करते हुए आप लोगों ने मेरे लिए जो मेहनत की है और अपनी दुआओं से मुझे सरफराज किए और इतने वोट यहाँ की पीटीयू में पड़े MIM को, तो आपका शुक्रिया था। गाजी ने हाथ जोड़ के किए, मैं आप सब लोगों को दोनों हाथ से सलाम करके करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे और अल्लाह आप लोगों को उसका जजाए खैर दे। फिर हमारे दौला भाई बता रहे थे कि यहाँ के नगर सेवक जो है कुछ यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, उनका चल रही कार्रवाई। उन्होंने मेरे को बोले अकाल पट्टी करो। मैं अकाल पट्टी करूँगा तो सिर्फ पार्टी से कर सकता हूँ। उनकी अकाल पट्टी अगर सही में करेंगी तो ये पब्लिक करेंगी इंशाल्लाह। तो हम ये बार आप लोग के हाथ में है, यहाँ से हम लोगों को बहुत उम्मीद है। और शादी जो अभी बोले नु कि अगर कुछ काम रहा तो गाजी आप बोले कि आगे बोलो, लेकिन शादी क्या बोले कि अगर काम रहा तो गाजी को नहीं बोलूँगा, मैं मेरी तरफ से करके दूंगा। ये बोलने के लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत लगती है भाई लोग। तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि अल्लाह ने मेरे को ऐसे लोगों के साथ आज जोड़ा है जिनके अंदर काम करने का वाकई में जज्बा है। मैं मेरे इलेक्शन की बात याद करूं अगर तो चंद लोग मेरे साथ थे जिसमें गाजी का बहुत बड़ा रोल है, सलीम भाई पामा भी थे और बहुत मुख्तसर लोग थे, इसमें सारे ही लोग हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि माशाल्लाह हम लोग को स्टेज कम पड़ता है, हम कहाँ भी कार्यक्रम करते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब ये है कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं, हमारे साथ आप लोगों की दुआएं चल रही हैं, इसीलिए हमारा काफिला बड़ा हो रहा है। जो हो गया सो हो गया, मैं उसके बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझता। कौन कहाँ भी जान दो, कौन क्या भी करने दो, मेरे को इतना मालूम है कि मेरे साथ तुम लोग हैं और जब तक तुम लोग मेरे साथ रहेंगे, MIM पार्टी के साथ रहेंगे, हम सब मिलकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं जब यहाँ आया तो एक यहाँ के नागरिक ने, एक समस्त त्रास नागरिक ने मेरे को यहाँ पे एक अर्ज दिए, इसमें ये लिखा गया है कि मुर्गी नाले से लेकर फखरुद्दीन नगर तक ड्रेनेज फूटी हुई है जिसकी वजह से गंदा पानी 2400 घंटे रोड पर बहता है, जिसकी वजह से डेंगू है और दूसरी भी दीगर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे हाथ से निवेदन लें और ये समझिए कि मैं यहाँ का त्रस्त नागरिक हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये काम होना चाहिए, इसका जल्द से जल्द पाठ पूरा हुआ करके इसको जल्द से जल्द इसका निपटारा करें। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। और इसके बाद खुशी की बात यह है कि मैं जब यहाँ आया तो गाजी ने बताया कि उनके कॉफ्ट फंड में से यहाँ की रोड का वर्क ऑर्डर निकला है जो कि 7 लाख का काम है मेरे ख्याल से, तो हमारे आते ही यहाँ काम शुरू हो गए, तो पूरे शहर में हम लोगों को बुलाइए, इंशाल्लाह पूरे शहर का नक्शा चेंज हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। ये रोड का काम शुरू होगा, एक दो बोर भी मारेंगे इंशाल्लाह, मारे दो बोर और मस्जिद को भी आजू बाजू के वो फेवर फ्लॉक लगाने के लिए 3 लाख का फंड गाजी ने कराए हैं। ये तो शुरुआत है, एक बार आपके भाई पे भरोसा करो, एक बार, मैं बोलता नहीं मैं करके दिखाता हूँ इंशाल्लाह। एक बार अगर मौका देंगे अल्लाह ने चाहा तो ऐसी चिट्ठियाँ नहीं आएंगी मेरे पास। जब कार्यक्रम में आएंगे लोग सत्कार करने के लिए आएंगे कि बिना बोले हमारा काम करके भी हमको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, तो एक प्यार भरोसा करके देखिए मेरे पर। मोहसिन से मैं ये बोलना चाहूँगा कि सादिक को अपने यूथ विंग में अच्छे से अच्छे अहदे से नवाजे और सादिक के और ताकत दें ताकि वो काम कर सके। आप सब लोग यहाँ पर आए, आज कोई धूम धड़ाका नहीं करने वाला हूँ, मैं एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट भाषण करके जाता हूँ। इंशाल्लाह इलेक्शन अनकरीब है, जब आएंगे, जब हम पर जो 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 इल्ज़ाम लगा रहे हैं फिर बताएंगे उनको, हमारे साथ भी कुरेशिया है भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह आप लोग मेरे को ताकत दीजिए, मैं आप लोग के लिए खड़ा रहूँगा हमेशा, जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत पड़े अपना भाई समझ के मेरे को याद कीजिए। इन द एंड बस ये बोलता हूँ, वाइज़ु मन तशा वज़िल्लु मन तशा,
आसिफ के बीच में से एक आदमी ने बोला कि जीरो करेंगे, ये करेंगे, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इज्जत और जिल्लत का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह ने जो हमारे हक में बेहतर लिखा है हम लोगों को वो फैसला मंजूर है, लेकिन हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बड़ी बड़ी बात करने वाले को छोड़ेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। तुम लोग है ना मेरे साथ, हमारे गाजी जाकिर साहब इंशाल्लाह शायद ये बार यहाँ से खड़े भी नहीं, उनका ही वार्ड अगर आया तो आप लोग सब लोग उनका साथ दीजिए, या तो जो भी उम्मीदवार यहाँ से रहेगा, जो भी उम्मीदवार रहेगा सिर्फ और सिर्फ पतंग का ही बटन दबाना है और पतंग को ही उड़ाना है यहाँ से इंशाल्लाह, और पतंग यहाँ से बहुत ऊंची उड़ेगी ऐसी उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पर आप लोग सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।